11 मील पे छोड़ दिया, अब हम लोगों को और बहुत ही गंदा पोपट होने वाला हमारा। चलने वाली है ट्रेन, चलो जल्दी। पोपट हो गया दोस्तों, बहुत ही तगड़ा सा ट्रेन निकल गई यार। अरे मार गिर गया। और पता है पीछे एक दीदी मिली हम लोगों को और बोल रही है भैया आप लोग यूट्यूबर हो। वाओ, पुलिस वाले भैया ने हमारा माइक निकलवा लिया। जय श्री कृष्ण मित्रों, की वर्षा पे ब्लॉग है। आज हम जाने वाले हैं उज्जैन। अंधेरा आ रहा है, छत पे चल के बात करते हैं। बहुत धूप हो रही है, छत पे बहुत धूप हो रही है, पता नहीं कैसा होगा, बट वहाँ चल के ऐसा होता है काफ़ी कंफर्टेबल लगता है ऊपर। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं और बाकी के जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं और हम जाने वाले हैं उज्जैन। आते हैं और हम आपको कराने वाले हैं आज महाकाल दर्शन। आज हो जाएंगे, हो जाना चाहिए वैसे, आज तो लगता नहीं मेरे को हो जाएंगे, पर शाम को और शाम से एक ही दिन में लौट आएंगे वहाँ से वापस। वैसे क्विक एकदम से वो बनाए, क्या बोलते हैं, एकदम से प्लान बना, कोई प्लान नहीं था, 3 दिन से टाले जा रहे थे कि हाँ ठीक है आज चलते हैं, कल चलते, आज चलते कल चलते, बट फाइनली अब जा रहे हैं। ओके okay, 4-5 अब देखते हैं कौन कौन चल रहा है। अभी भी पता है बहुत सारे लोगों का कंफर्म नहीं है, कुछ का है मूड ही है सारे के सारे। सो लेट्स गो, दिखाते हैं आपको उज्जैन, द सिटी ऑफ महाकाल। अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अब मेरे को नीचे पैक करना है थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना, बाकी लोगों को कुछ इकट्ठा करते हैं और चलते हैं फिर। ग्यारह मिनट पे छोड़ दिया अब हम लोगों को और बहुत ही गंदा पोपट होने वाला हमारा, क्योंकि है ना 11:00 मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, 11:17 हो गया और 3 मिनट बचे हमारे पास बैरागढ़ पहुँचने के लिए, और हम लोग वेट कर रहे हैं बस का। यहाँ रोका कहीं, रोक ले। चारों यहाँ खड़े हुए और अब पता नहीं कब तक बस आएगी, बस का वेट कर रहे हैं। 3 मिनट बचे और मेरे को लगता नहीं है 3 मिनट में पहुँच पाएंगे, और आज तो पहुँच गए, दिख गया तरे भाव। 11:20 होने वाला है और अब तो नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि 11:20 की ट्रेन है, अगर वो 10-5 मिनट लेट होगी तो कुछ कह सकते हैं कि हाँ हो सकता, नहीं तो फिर दूसरी ट्रेन से जाना पड़ेगा। और सब लोग बस भटक रहे हैं अभी तो आधे घंटे तक, एक वो बस आ रही, वो आ रही, रोका यहाँ, रोक लो अगर रुके तो, वो पता नहीं कौन सी ट्रेन बस है। टैंग 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 टैंग, अरे सीहोर वाले कट्टे आते हैं उस साइड से, पर वो आ जाए तब है। अच्छा तू दे जा। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, हम उज्जैन जा रहे हैं आज आपके लिए। हमने स्टेशन है और भैया ने हमें 11:33 पे छोड़ा है और हमारी ट्रेन थी कितनी बजे की, 11:20 की, तो 2 मिनट का रास्ता बचा है वहाँ से। अब याद तो ऐसा होगा कि ट्रेन निकल गई होगी और थोड़ा लेट होगी तो मे बी के चांसेस हैं, चलो जल्दी चलते हैं। मामा और वो लोग पहुँच गए वहाँ पर, लेकिन यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ट्रेन निकल चुकी है, तो हम कुछ खाने का सामान ले लेते हैं यहाँ से, हमारे पास चेंज भी हो जाएगा तब तक, और उसके बाद फिर चलते हैं। ट्रेन तो निकल गई और ये लोग दोनों वहाँ वेट कर रहे हैं, और हम लोग अब पता नहीं कौन सी ट्रेन मिलेगी उज्जैन के लिए, लेकिन जाना तो है चाहे कुछ हो जाए। वो कह रही है 12:30 ट्रेन की, यहाँ से यहाँ नहीं रुकेगी। पोपट हो गया दोस्तों, ट्रेन निकल चुकी है हमारी, ठीक अब या तो हम वेट करें। 11:40 हो गया, हम लोग 20 मिनट ले रहे तो कैसे ट्रेन मिलेगी फिर। अरे ये है यहाँ पे यार, इसके अंदर चले जा, दे दे इसको स्वेटर, दे दे मेरे को, दे दे ला। तो अभी हमने क्वेरी करके पूछा था कि कौन सी ट्रेन है, तो उन्होंने बताया कि 12:30 एक भोपाल से ट्रेन है, वो एक्सप्रेस है, मैंने देखी थी सुबह, तो उससे जाएंगे। तो ये सुसु करने चला गया वहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग भोपाल निकल रहे हैं बस से। 11:40 हो गए, अगर 12:30 है वो ट्रेन और पहुँच जाएंगे बस से आराम से, तो उस वाली ट्रेन से जाएंगे हम। पोपट हो गया दोस्तों, बहुत ही तगड़ा सा ट्रेन निकल गई यार, निकल नहीं थी वैसे, लेट इतना हो गया था हम लोग, निकल नहीं था वो, तो यहाँ पर पूरा पेट प्लेटफॉर्म खा रही है। मामा कैसे लग रही ट्रेन निकल गई, खुशी की। हाँ सुबह निकल जा, 8 बजे निकलता, 9 बजे फिर भी गाड़ी थी शाम को, तो ये लोकल गाड़ी आएगी कौन सी, सुजालपुर के लिए तो एक लोग, अरे लोकल गाड़ी आएगी ना, कभी स्टॉप नहीं है यार, इसी साइड आएगी, लेकिन वो तो मिल जाएगी आपको। हम लोग वापस जा रहे हैं बस स्टॉप पे, वहाँ पे रोड है सामने, भोपाल के लिए निकलना है, तो वहाँ से फिर वहाँ से ट्रेन मिलेगी 12:30, वो फास्ट है, तो वो से हाई टू द कैमरा, बॉडी बिल्डर दिखाओगे तू, पता है आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, नाद रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, यहाँ से दिख नहीं रहा वो ट्रैफिक, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये बस भी 12:10 हो गए, 20 मिनट और बचे हैं, लेकिन यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है, अगर पहुँचा दे तो ठीक है वो,
नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये ट्रेन भी छूट जाएगी। अरे टाइम है वो यार, फ्लाइंग बस ने हमें छोड़ दिया है 11:20 पे होगा, अभी टाइम है हमारे पास, हम पहुँच गए स्टेशन, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अभी 12:36 का टाइम दिया उन्होंने, तो मे बी कि टाइम पे पहुँच जाएँ, पता है। और 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, और ये ट्रेन भी अगर निकल गई ना तो हो गए दर्शन। मैं ट्रेन की पटरी सुझाऊंगा फिर इनको नाम देख के। मैं आप फिर पक्का हम मालगाड़ी में बैठने वाले हैं। मैं मालगाड़ी में बैठूंगा नहीं, मैं ट्रेन का नहीं सुनूंगा, मैंने पहले कह दिया। और वो भी इनको नाम लिख के, पता है हम उदय की वजह से लेट हुए, नहीं तो लेट नहीं होते ये। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वो है सामने भोपाल जंक्शन, यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री वाले भैया क्यों दिख रहे हैं। बंदूक के साथ फोटो खिंचवाना, बंदूक के साथ फोटो खिंचवाना है देखो। हाँ ये खड़ी हमारी ट्रेन, इसी में जाने वाले हम लोग, टिकट ले रहे हैं। इन दोनों को बहुत जल्दी पड़ी, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं हो रहा। ठीक है पहुंच जाएंगे अपन, टिकट मिल गई। और मैम ने बोला है कि वो निकलने वाली ट्रेन अभी, और अभी ये वाली ट्रेन अगर लेट हुई ना तो पता नहीं क्या होगा। 3 नंबर का है ये, वो नहीं के पक्का, वो है सामने 3 नंबर प्लेटफॉर्म। अरे वो है ना सामने 3 नंबर प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, इस साइड हाँ इस साइड लिफ्ट है, लेकिन वहाँ से लिफ्ट से नहीं जाएंगे, लेट हो जाएगी वो लिफ्ट। मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि डी वाले डिब्बे में बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को जनरल में बैठना है, और जनरल में जगह है नहीं है। ये कौन सा है, ये भी सामान है, इसमें बैठ सकते हैं वैसे। और हम लोग पिछले 5 मिनट से चले जा रहे हैं, लेकिन ये वाली ट्रेन पूरी खाली है तो हम इसमें बैठ सकते हैं आराम से। चलो चलने वाली बा जाओ, पूरी ट्रेन पूरी खाली है, आराम से बैठ जाऊँगा। पवन चार्जर निकाल दीजिए बैग में, तेरा बैग मेरे को। आंटी ने हमसे बोल दिया था ना कि इतनी दूर है, तो वो ब्रिज दिख रहा ना, वहाँ से हम लोग दौड़ते दौड़ते आए, और पता चल रहा है कि पूरी ट्रेन खाली है। चलने वाली बा ट्रेन, चलो जल्दी, मामा पता नहीं क्या लेने लग गए। चलती ट्रेन, चलती 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 वो ट्रेन चल दी है, तब जाके उसे को याद आया कुछ खाने का लेना है। और रोटी कब नहीं आप कैसे मुँह बना कैसे मुँह बना लिया रोट खाना है, तो मैं भी खा के नहीं आया हूँ। सिगोर में रुकेगी तो वहाँ से ले लेंगे बहुत सारे स्नैक्स, बिस्किट ले लेंगे कुछ, से लेके वहाँ तक, और वहाँ से लेके पूरी। हमने हमारा अपार्टमेंट 300 रुपये हमने बुक करवा लिया है, और ट्रेन चलती है धीरे धीरे। खाना खा के नहीं आया है, तो सब लोग इसी से काम चलाने वाले हैं, दिन भर स्नैक्स हैं, उन्हें कोई कुछ लेके आया है। ओके, तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो मैं बैटरी चार्ज कर लेता हूँ, और अब आप लोगों से मिलते हैं हम लोग उज्जैन में, तब तक के लिए बाय। कुछ भूला तो नहीं करे, कुछ भूला तो नहीं, चार्ज नहीं रखी। फाइनली उज्जैन इज देयर, करेक्ट 5 बजे उस ट्रेन ने हम लोगों को उज्जैन छोड़ा है। हमारी ट्रेन, इतनी भीड़ हो रही ना, और यहाँ पे निकलने तक की नहीं बन रही। टीट मामा जोर से चलो, नहीं आगे वाला किस साइड जाना, उस साइड इस साइड। फाइनली हम उज्जैन आ गए हैं, वहाँ हमने स्टेशन को छोड़ दिया है, और अब हमने डिसाइड किया है कि हम लोग जाने वाले हैं रामघाट सबसे पहले। तो ऑटो तो नहीं ले लिया, मेन गेट बोले। ओके, फाइनली गेट से अंदर हो गए हम लोग, अब ये मेन रास्ता है यहाँ का महाकाल मंदिर के लिए, और शायद यहीं से रामघाट जाते हैं। मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं है इतना। अपन को मंदिर जाना, हाथ जो खड़े देते हैं पीछे रह गया, वो पता है मंदिर उस साइड रह गया, और ये लोग इस साइड लेके जा रहे हैं। और मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है, सेकंड टाइम आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं कि रामघाट किस साइड है, नहीं तो अपन तो मैपिंग करने लगेंगे फिर। उधर तू तो बहुत बार आ चुको, नहीं मैं हाँ एक बार आया था। ये घाटी देख के जरूर समझ में आ रहा है कि हाँ रामघाट साइड आ गए हैं, क्योंकि जब नदी साइड जाते ना तो जगह नीचे होती जाती है धीरे धीरे। तो मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पे, ओके। तो फाइनली अब हम आ गए राजघाट है रामघाट है, रामघाट आ गए हम लोग फाइनली। 12 बजे के हम लोग ट्रेन में बैठे थे, और अब जाके हम लोग फाइनली यहाँ पहुँचे, और इसके बाद भी अभी हम लोग को दर्शन नहीं हुए, तो अब यहाँ से नहाएंगे। उदय को नहाना, देखते हैं अगर हम लोग का हो पाएगा तो नहाएंगे, नहीं तो नहीं नहाएंगे। हम लोग नहा के आए थे क्योंकि घर से, मैं सबको नहलाऊंगा अब एक एक करके। मैं दिखाता हूँ रामघाट आपको स्टार्टिंग से। ये तो फाइनली ये है रामघाट यहाँ से, ओ भाई अलग ही दिख रहा है चिपरा जी यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक का मंदिर ही मंदिर ये यहाँ पर छोटे छोटे से ब्रिज बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, अपन इस साइड चलेंगे। वो वाव अलग ही लगता है यार यहाँ पे तो आके, मतलब
और ये है शिप्रा जी। पानी बहुत ठंडा होने वाला है यहाँ का, पर ठीक है मैं तो नहीं नहाऊंगा, उदय नहाएगा। पानी टच करके आते कैसा है पानी, और मेरे को तो कोई खास उम्मीद नहीं कि गर्म होगा, थोड़ा सा पैर फिसलाना यहाँ से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है नॉर्मल पानी है वैसे तो, पर मेरे को तो ठंड लग रही। उदय नॉर्मल पानी को ज़्यादा वो नहीं है, गंद मतलब गर्म नहीं है ज़्यादा। हाँ पवन भी ताका, अरे यही जो अच्छी जगह है यहाँ पे नहा लेते हैं। मामा यहीं यहीं ला, मेरे दे दे ला मेरे दे। उधर उतारो कपड़ा। अरे मामा गिर गया, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, मेरे पैर भी फिसल गए, लगी तो नहीं। उधर मगर की बामे, अरे नहीं लगी, एक बार बस एक बार डुबकी लगाओ खत्म, टाटा बाय बाय। ये दो तीन उदय और ये नहा लिए हैं, अब लोग वहाँ पे दीपक वगैरह चल रहे हैं, फिर वहाँ से कुछ फोटोज क्लिक करके लेके आता हूँ इंस्टा स्टोरी के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग सीधा चलेंगे टेंपल की ओर। लेट्स गो। वो ऑलमोस्ट पूरी शाम हो गई है और पता नहीं मंदिर कब तक खुला रहेगा, कोई आइडिया नहीं है। आरती की आवाज़ आने लगी है वहाँ से, वहाँ तो एक जगह हो रही थी लेकिन मेन मंदिर की आरती पता नहीं कब होगी, और ये लोग अभी तक तैयार ही नहीं हुए हैं। फाइनली अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, 6 से ज़्यादा का टाइम हो गया और ऑलमोस्ट रात हो गई है, लेकिन नदी के पास भी होते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बाकी स्वेटर तो हम घर से पहन के आए थे, हमें रास्ते में हाथी मिल गया उज्जैन में। वो भाई गजानन मामा पानी पूरी खिला रही थी, खिलवा रही भैया सुना भाई ऑटो वाले भैया, हम काल भैरव मंदिर लेके जा रहे हैं यहाँ से, अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है पता नहीं कितने देर लगेगी पहुँचने में वहाँ पर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के लिए, और मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, और यहाँ मदिरा एज अ प्रसाद मिलती है, तो प्रसाद तो अपन दो बार लेते। कहाँ है दुकान दारू की? पीछे थी, और भी होगी आगे दुकान है, उठा लो ये कोई सी ले लो, और वो है ऊपर वहाँ पर थोड़ा सा मंदिर दिख रहा है, आराम से आराम से। क्या लठ लठ भी मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये लोग उल्टे आ गए वहाँ से, अब वापस से जाना पड़ रहा है दोबारा। ककड़ी की खुशबू आ रही भाई बहुत तेज, इतनी तेज, इतने से फेज में से पता है यहाँ से लेके वहाँ तक में उन्होंने 15 बार घुमा दिया हम लोगों को, और पता है पीछे एक दीदी मिली हम लोगों को और बोल रही है भैया आप लोग यूट्यूबर हो, हमने कहा यहाँ उस साइड से चलेंगे ना तब फोटो खींचेंगे उसका, अच्छे से दिख नहीं रहा उसकी वजह से पूरा। और वो वहाँ पे मंदिर बहुत ऊंचा, एक तो पता हो बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा, वो बहुत देर लग जाएगी। मामा की बहुत सारी मनोकामना पूरी हो गई, फिर भी पता नहीं हुआ हमें मिल गई मामा, फिर भी मामा और बांधे जा रही है, देखियो भगवान ने मतलब चलियो। भैया बोल रहे एक नंबर खाना मिलता है यहाँ पे, मामा होटल थोड़ी ना बंद करवानी उनको, चेक करते कैसा खाना मिलता है वहाँ पे, भूख लग रही है और बहुत तेज सुबह, पता सुबह का खाना खा के नहीं आए हम लोग, मामा और ये लोग पहले उतर गए, इन दोनों को बहुत तेज भूख लगी, बट मेरे को बहुत भूख थी। हाँ ठीक है तो अब खाना फिनिश करते हैं, ऐसे कुछ हमारी थाली लगा के दिए भैया ने, मेरे को सुबह से भूख लग रही है तो मैं इसको रखता हूँ और खाना खाते हैं। भाई नमक नमक ला देना भैया। अब हम लोग जा रहे हैं महाकाल टेम्पल के लिए, वो है वहाँ पे पता नहीं मेन मंदिर शायद वो वाला है, वहाँ पे कॉरिडोर जो कि अभी बना हुआ है, बहुत भीड़ हो रही है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। उस साइड चलो, उस साइड धीरे 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 उस साइड, तो यहाँ पे गणपति जी यहाँ है मेन शंकर भगवान की मूर्ति, हटा 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 जगह बना लीजिए अपनी, वो फोटो खिंचवाने की जगह नहीं है यहाँ पे, इतनी भीड़ हो रखी है। वाओ वो यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ते ही जाने नहीं दे रहे, लेकिन वो अभी ऐसे कुछ है। मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही है ना, टाइम के अभाव की वजह से पता है मैं उन सारी मूर्तियों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया ठीक से, पर ठीक है अभी हम लोग को बहुत सारा घूमना है,
इसमें भी ये शायद मेन टेम्पल है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को। हाँ बाकी हर थोड़ी थोड़ी जगह पे से वहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे कौन है पता नहीं, पता नहीं कौन कौन से भगवान है, देख देख के समझ में नहीं आ रहा। जय श्री महाकाल। ये बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को तो, वो यहाँ से पूरा वहाँ से वहाँ तक रहा आ गएगा। वो मेरे को परशुराम भगवान जैसे लग रहे हैं, परशुराम भगवान है वो वहाँ पे पवन, वो परशुराम भगवान है वहाँ पे। साइन बोर्ड भी होने चाहिए थे पता सबके नीचे, शंकर भगवान दूर से बजाने आते हैं वहाँ पे दिख रहे हैं। लुक एट दिस वन, ओ माय गुडनेस। उधर देख पानी कितना प्यारा लग रही है यार, वाओ। यो वो कहीं के वाटर प्रूफ नहीं अपना फोन, और एक भाई कहीं गयो अमृत मंथन। 8:40 हो गए और इन लोगों को पता है कहीं पे भी, एक मिनट, इन लोगों को कहीं पे भी बस खड़े हो जाओ ना फोटो खिंचवाना, टाइम का कोई वो ही नहीं उनको। अभी वहाँ से बहुत आगे तक जाना है हम लोगों को, ये क्या है वहाँ तक टाइम तक पहुँच जाएंगे। तो अभी वहाँ पे आधा रास्ता बचा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे उसके लिए, तो फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर टाइम मिला तो आ जाएंगे बेटा, ठीक है, टाइम मिला तो हम आ जाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद फिर सीधा घर चले जाएंगे आधे रास्ता से। लेकिन वो पता है पूरा आधा वहाँ का उस साइड का पूरा रह गया अभी तक। मामा पीछे जाओ, मैं आगे आऊँगा तो तुम ऑटोमेटिक फ्रेम में जाओ। इतनी सारी लाइन है पीछे, भोपाल भोपाल से यहाँ से पूरे चक्कर खा के जाना पड़ेगा। और अभी तो और आने वाला है मेन एंट्रेंस यहाँ पे। पुलिस वाले भैया ने हमारा माइक निकलवा लिया, तो हमें फ़ोन से ही बनानी पड़ेगी वीडियो, फोटो खींचे वीडियो बनाना नहीं। मैं सबकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपकी बार, यार ये दिख क्यों नहीं रहा ठीक से। चलो मेरा फोटो, शंकर भगवान बारात लेके जाना इतना दिख रहा है बस, फोटो मोटो तो नहीं खींचा मामा, वो तो खींचाऊंगा। चलो चलो, बहुत सही जगह है क्योंकि यहाँ हो गई क्या शादी इनकी पता नहीं, लगता है ऐसी रहा। अगर यहाँ से बारात लेके आए तो पक्का फॉर श्योर है कि ये पूजा चल रही है। हाँ इतने सारे स्टैचूज हैं ना यहाँ पे कि उनको कम टाइम में एक्सप्लेन करना तो मुझसे नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे है कि ये बहुत प्यारा सा स्टैचू शंकर भगवान का, इसको देखते हैं। वाओ अमेजिंग यार, पता है इसकी क्वालिटी की वजह से ना ठीक से आ नहीं रहा है वो, बट बहुत प्यारा लग रहा है गाइस यहाँ से तो वो। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन सम वर्ड्स। फाइनली 10 बज गए और अब हम जाके फ्री हुए। वो मैं ट्राइपॉड बैग में रखा तो बहुत आवाज़ आ रही होगी, आई नो, बट आज के लिए इतना ही।